प्रायिकता प्रोबेबिलिटी एमपी बोर्ड 10वीं प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को हल करना एमपी बोर्ड 10वीं प्रायिकता के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसको हम आज देखते हैं। क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न है हमारा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के हैं दो, एक सिक्का आपको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरे सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारा प्रतिदस्त समष्टि क्या होगी, एस बराबर प्रतिदस्त समष्टि को एस माना, या तो दोनों सिक्कों को उछालने पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, या एक पे हेड आएगा टेल, एक पे टेल आएगा, या एक पे टेल आएगा एक पे हेड आएगा। तो ये हमारी कुल घटनाएँ हो गई कितनी, एन एस बराबर 4। कुल हमारी घटनाएं 4 हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा या टेल या हेड आएगा दोनों सिक्कों को शामिल। कुल घटनाएं 4 होगी। अब अनुकूल घटना हमको जो चाहिए है जो सिक्कों पर हेड आने की घटना, दोनों सिक्कों को छानने पर एक साथ हेड आने की घटना ए बराबर एच एफ, मतलब मात्र कितनी होगी घटना एक बार ही दोनों सिक्कों में उछालने पर हेड आ सकता है। तो एन ए बराबर हो जाएगा हमारा एक। अतः सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता पी ए बराबर क्या हो जाएगी, अनुकूल घटना हमारी हेड आने की एन ए बटे कुल घटना एन एस, यानी कि 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों सिक्कों को उछालने पर एक साथ हेड आने की प्रायिकता होगी 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।